नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। खबर एनसीआर के साथ मैं हूं नरेंद्र भाटी। बल्लभगढ़ में पुलिस की गश्त पश्त होने के चलते इन दिनों चोरों की पौबारा हो रही है। बल्लभगढ़ शहर की जनता आए दिन हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से परेशान है। खास बात तो यह है कि पुलिस भी अभी चोरों के मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 एरिया का है, जहां चोर एक मकान में ग्रिल के ऊपर से अंदर जा रहा है और उसके पीछे शराब की बोतल भी दिखाई दे रही है। मकान मालिक का कहना है कि चोर शराब के लिए चोरियां करते हैं। सेक्टर वासियों का कहना है कि पुलिस को खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ फोन पर शिकायत भी की जाती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। यही कारण है कि चोर रात को यहीं पर चोरी करते हैं। ये अपनी 9 तारीख की सुबह की घटना है, 11 बजे के आसपास की। यहाँ पे तीन बच्चे थे, आवारा जो आजकल साइकिल वगैरह चुराते फिरते हैं, साइकिल या मोटरसाइकिल चुरा लेते हैं घर के बाहर से, वो आए तीनों मेरे सामने। मैंने गाय भैंसों के लिए कुंडी कि इसमें बैठे रहे काफ़ी देर, उन्होंने चोरी करने की प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के साथ साथ उन लोगों ने फिर आपस में मशवरा किया। करने के बाद में उसमें से एक लड़का था जिसका हौलिया, जिसने लाल रंग की चप्पल, ग्रीन रंग की टी शर्ट और सर से गंजा था, उसने साइकिल को 2 बार छुआ, फिर छोड़ के फिर तिवारा साथियों ने कहा लेगा तो साइकिल को लेके आगे वो निकल गया। उधर से कोई वाहन वाला आ रहा था तो उसको देख के घास में छोड़ के भाग गए लोग। यहाँ की रोज की घटना इस पॉकेट में होती रहती है चोरी की, और रात को चोरों के आने की रात की वहाँ की घटना है। पहली तरफ मेरे भाई हैं बड़े, उनके मकान की घटना रात की 3:02 पर एक साथी चोर आया था। वो ग्रिल के सारे से घर में अंदर उसने एंट्री करी, उसके पास में काफ़ी हथियार थी, जो जैसा वीडियो में हमने देखा उसमें एक तो उसके पास चाकू था बटन वाला, एक उसके पास पिस्टल भी थी और भी कुछ हथियार थे जिससे वो घर में हमला करने के लिए लूटपाट के इरादे से उसने घर में प्रवेश किया था। उसके साथ साथ तो नीचे वाला गेट बंद था, घर में कुत्ता था, उसको भौंकने से घर वालों को एहसास नहीं हुआ। उसके बाद वो ऊपर गया, ऊपर चढ़ के ऊपर जाली वाला गेट खुला हुआ था, अंदर जाके उसने वहाँ बच्चे की पैंट टंगी हुई थी उसमें 6,500 रुपये लेके फिर ऊपर से उतर के हथियार दिखाता हुआ, उसके कमर में भी लगे हुए थे हथियार, डुबके हुए थे जेब में भी थे, वो धीरे धीरे वहीं से उतर के दूसरे रास्ते को निकल गया। और ऐसी घटनाएं हमारे पॉकेट में साथी चोरों की लगातार रात दिन बढ़ती जा रही है। इसके बारे में मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, 100 नंबर पर कई बार फ़ोन भी किया, उन्होंने कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद जो रात वाली घटना के उसमें मेरी इंचार्ज जी से बात की, FIR लॉज करवा दी गई है, उसमें अपनी पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है।